लिया फोन, जब बगल में गुलाब का फूल बैठे हुआ है तो गोभी के फूल को कौन पूछता। तुम मेरे को गोभी का फूल बोल रहे मरियम? नहीं बाजी, मैं कहावत बोल रही हूँ। कहाँ है कि क्या नहीं की, क्या कर रहे की क्या नहीं की, क्या खा रहे की क्या खिला रहे की। वो चुड़ैल उनके पीछे बैठी थी। हाँ बाजी, पीछे बैठ के क्या तो भी पकड़ी की क्या नहीं की। या अल्लाह, अब तू इस मेरे साथ इंसाफ कर। अरे साहब आ गए, आन दो इनको, दिखाती हूँ। आ जाओ, आओ। कहाँ गए थे? ऑफिस को, मीटिंग कैंसिल हो गया तो वापस आ गया। उसके हस्बैंड का फोन आया तो उन्हें चली गई शायद। और कैसा मालूम? गली गली में मेरे जासूसा है, तुम्हारे पूरे हरकत पे मेरी नजर है। तुम किससे, कहाँ, कैसा मिल रहे, क्या बात कर रहे, मेरे को सो मालूम हो जाता। आप मेरा फोन हैक कर लिए क्या? तुम्हारी जिंदगी छाक कर ली सो हूँ। क्या, कौन थी वो पुट्टी जिसको बाइक पे पीछे बिठा लेके गए थे तुम? I got a bad feeling about this. कौन सी पुट्टी जिसको मैं बाइक पे पीछे बिठा के लेके गया? अनजान बनने की एक्टिंग मेरे सामने नको करो। तुम्हारे जैसे 36 एक्टरों को पानी पिला दी सो हूँ मैं, समझे? तुम्हारी एक्टिंग का अचार बना के इन्फ्लुएंसरों को खिला देती हूँ, समझे? कौन थी वो पट्टी? तुम्हारे को धूप लगी क्या? नहीं। उतारे का नींबू खुल दे क्या? नहीं। तो फिर दीवाने बाता कहीं को कर रहे थी? काम उठ बैठो, शुभ दिमाग खराब, हट। अरे दम दम हो गया। अरे गर्मी अलग बोले तो औरत अलग परेशान कर रही। कौन थी वो औरत तुम्हारे पीछे बैठी सो? कौन थी? देखो सही सही बोलो, नहीं तो हमारे अम्मी अब्बू को बुला के मैं तुम्हारा तमाशा बना देती हूँ। देखो क्या सबूत है आपके पास? अरे मरियम देखी तुम्हारे को? अरे तुम मरियम को देख के गली बदल दी कते? हाँ। उसको देख के हेलमेट का ग्लास नीचे करके चले गए कते? अच्छा हाँ। ऐसा कौन सी कलर की हेलमेट थी कते? अरे हेनरी यार, आज मेरी हेलमेट तो घर में। कौन सी कलर की हेलमेट थी मरियम? ब्लैक एंड रेड। मेरी हेलमेट तो ब्लू एंड ब्लैक है ना। हाँ नहीं, नहीं है नहीं। तब तो फिर आप, मैं आपको पूछी जब कि उसके हस्बैंड का फोन आया तो वो निकल गई होगी बोल के, तब हाउ कर को बोले? अरे मैं मैडम की बात कर रहा था जी, उनके हस्बैंड का इमरजेंसी कॉल आया तो उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी तो सब वापिस चले गए, मैं भी घर को आ गया। ऐसा? अरे इतने भी कच्चे कान का नहीं रहना जी इंसान, कोई भी कुछ भी बोले तो यकीन कर लेने के वास्ते थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करना, नहीं तो अच्छे खासे हंसते खेलते जिंदगी बर्बाद हो जाता है ऐसे बातों में आके। आप सीरियस कहीं को ले रहे? देखो दिमाग खराब नको करो आप, चल लो यार प्लीज। तुम्हारा शौहर तुम्हारे वास्ते रात दिन मेहनत करके घर के जरूरत का सामान लाता, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा, तुम्हारे को अच्छा खाना अच्छा कपड़ा दे रहा, तुम्हारी पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रख रहा, तुम क्या कर रहे हो उसके वास्ते? अरे इतने भी कच्चे कान का नहीं रहना जी इंसान, कोई भी कुछ भी बोले तो यकीन कर लेने के वास्ते। सुनो माँ मरियम, देखो वो जो तुम्हारा जितना भी हिसाब है ना वो पूरा करके पैसे ले लेके चले जाओ तुम। वैसे भी तुम्हारे शैतानी वसवसों से मेरी जिंदगी में किरकिरा कहीं को मां। अरे बाजी ऐसा नको करो, मेरे छोटे छोटे सात बच्चे हैं। तो मेरे एहसान पे करे। अरे बाजी कई बाजी, नको मां तुम चले जाओ, समझे? नहीं तो भी भोतिच कर रही, क्या समझ के रखेगी तुम? नहीं तो तुम्हारा बाप सही, तुम्हारे जैसे 36 कस्टमर आए मेरे पास, क्या समझे? काम वाली एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ, ऐसा फोन मारते कि घर मिल जाता मेरे को। अजी मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहती हूँ, वो सड़ी काम वाली की वजह से मैं आप जैसे नेक और शरीफ इंसान पे शक करी, और पापा की बातों पे मैं गौर की, और वाकई में मैं बहुत लेजी और मेरे से कुछ भी काम नहीं हो रहा घर का, ऐसा रहे तो मैं बीमार पड़ जाती, मेरे को हेल्थ इश्यूज हो जाते। वैसा है तो फिर काम वाली को निकाल दो। निकाल दी। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ फिर वो सड़ी काम वाले की वजह से हम दोनों के बीच में खटास आ गई। देखो ये मीठे मीठे आम खाओ,
और तुम्हारे दिल की खटास को दूर करो। इतने मीठे आमा? मेरे ख्याल से जिंदगी में तुम इससे मीठे आमा नहीं खाएंगे। ऐसा? क्या खट्टे आमा है जी सारे? अभी तक तो दिल खट्टा था, अभी जबान, दांत और मुंह भी खट्टा कर दिए तुम। क्या बात कर रहे हैं बेगम, एक एक आम की मिठी मिठी खुशबू सुन के लाया सो मैं। अगर एक भी आम खट्टा निकला ना, मैं अपनी नाक कटा लेता हूँ। ऐसा क्या लो बोलो, चाकू, कैंची या दरांती? सही में खट्टे है क्या आमा? हाओ फिर, तुम्हारे नाक क्या हमारे खानदान की बुराइयां गलतियां निकालने के वास्ते छे क्या? कई को बेगम? हमारे अम्मा के चूल्हे में जो सालन बनता उसको सूंघ के तुम बता देते कि उसके मसाले में क्या कमी है क्या नहीं है। और जब हमारे बाबा को जो तुम झुक के सलाम करते ना, सूंघ के बता देते हमारे बाबा कितने दिनों से पानी नहीं नहाए बोल के। बेगम प्लीज, मेरे को चने के झाड़ पे नक्को चलाओ, प्लीज प्लीज। खाली हमारे खानदान की बुराइयां गलतियां निकालने के वास्ते तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी चपटी नाक काम करती। पूरे खट्टे आम उठा के लाए। अरे बेगम, खटास तुम्हारे सोच में है, तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे दिल में है। उसको तुम्हारे दिल से निकालो और एक बार खा के देखो आम कितना मीठा है मालूम पड़ता। ऐसा तो तुम ही खा के बताओ कि तुम्हारा दिमाग दिल कितना मीठा है। खाओ। ओह नो। अब भी बोल रहा हूँ। खट्टा रे बंदी। आमी जे तोमा सुन मेरे प्यार की धुन। क्या हुआ बड़े भाई, अचानक प्लेट लेके आ गए? क्या आमा दिए बड़े भाई तुम? जिंदगी में ऐसे आमा नहीं खाया मैं। इन्हें मेरी तारीफ कर रहा, बेइज्जती कर रहा? बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जो आम परखने का टैलेंट आपके पास है ना भाई, मेरी जिंदगी में आज तक किसको भी नहीं देखा मैं ऐसा। एक एक आम ऐसा सूंघ सूंघ के जो लिए ना भाई आप, हाय 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 हाय, पंडी भी के पूरे मिठे आमा ले लिए आप। अरे आपके सूंघने की शक्ति क्या है बोलते, आप पुलिस के कुत्तों से खतरनाक है बड़े भाई। भैया को बॉर्डर पे भेजे समझो, आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के निकालते हो सूंघ लेते हुए। अरे बड़े भाई ये आम खा के देखो आप, ये आम खा के देखो। अरे रखो बड़े भाई, बहुत मिठे है, शुगर हो जाएगा मेरे को। पहले आप चुने से हो, मजाक है आप चुनना बोले तो? आप खुद नमक डाल के खाओ उस पे। अरे बड़े भाई ये आम मीठे नहीं है। मीठे नहीं है? अच्छा बहुत मीठे है बोलना चाह रहे हैं आप? अरे बड़े भाई सुने, भाई को आमा इतने अच्छे दिखे, पूरे खानदान को कबीले को खरीदने आ गए भाई। आमा तुम नहीं, नहीं आमा खत्म हो गए, जाओ जाओ बंडी खरीद लिए भाई, पूरी बंडी। अरे ऑटो लेके, ऑटो ऑटो ले, ऑटो वाले से जरा बात कर लो ना बड़े भाई। अरे वो बैगन के वाल, जब से देख रहा हूँ क्या तमाशे कर रहा है, कुछ भी बोलने नहीं दे रहा तू मेरे को। हाँ आमा एक नंबर आखिरी खट्टे झुंड आमा है, बैगन के बात कर रहा, मीठी खुशबू मार के खट्टे आमा खिला रहा पब्लिक को। क्या हुआ बड़े भाई, गुड़ से मीठे आमा दिया आपको मैं, समझ में आ रहा? हेलो चाकू दियो तुम्हारी, चको जरा। अरे जबरदस्त मीठा आम है यार ये, इससे पहले दिया था और मीठा था। अच्छा आप कवर गाड़ी पे लटका लेके गए क्या? आओ वो इच नहीं करना था बड़े भाई, नजर लग गई। अरे का हौले बात ना कर रहा, अरे मैं बगन के बात कर रहा हूँ, नजर हकीकत है बड़े भाई, नजर हकीकत है। पहाड़ पिघल जाता पूरा, पहाड़ फूट जाता, राख हो जाता, ये तो फिर भी आम है। अरे कह रहे भाई ये सब तेरे बगन के बात समझ में नहीं आ रहा, मेरे को आमा वापिस ले, मेरे को 2 किलो मीठा आमा दे रहे भाई बस। मीठे आमा एक काम करो बड़े भाई, आप ही ले लो सुंग सुंग के, ये डाल। हाँ ये लो इसमें डालो, जमो। बोलने की क्या जरूरत है बड़े भाई, दे दूं बड़े भाई। भाई भाई हेलो, और चक के बोलो कि आमा कितने मीठे हैं। अच्छा सुनो, जरा कम खाओ ना तो शुगर हो जाएगी तुम्हारे। हाँ ओह नो,
क्या बोला था मई, एकदम मीठा लजीज प्यारा आम है, जिंदगी में इतना मीठा आम नहीं खाएंगे तुम। इतना मीठा आम खा के होश उड़ गए होंगे तुम्हारे। फाकता उड़ा देती तुम्हारा, खट्टा जुंड आम है। ओह नो, क्या बात कर रहे बेगम, मैं खुद मेरी नाक से सूंघ के जबान से टेस्ट करके लाया, देखो देखो जी कितना प्यारा और कितना खूबसूरत आम है। बाहर से इच नहीं अंदर से भी अच्छा रहना, वैसा देख के लाना। अगर इतनी अकल मेरे पास रहती तो तुम्हारे को कहीं को करके लाता था। ज्यादा बाता नको करो, जाओ जाके एक्सचेंज करा के लाओ। साला बेइज्जती करा रहा आम वाला रे बंडी। लो भाई डालो भाई, दो किलो डालो। हाँ बराबर है, तुम्हारे हाथ से देखो भाई। क्या आमा चुने बड़े भाई तुम, एक नंबर। मेरे दो साल के इतिहास में खाली दो लोगों को देखा ऐसा आमा परखते हुए, एक आप एक बड़े भाई आए थे हमारे। डंडी मार रहा रे कस्टमर को, बेवकूफ बना रहा रे। अरे हराम का खा रहा क्या रे, हराम के एक रुपया खाना मगर हलाल खाना, हराम का खाएंगा तो हाथा पर झड़ देंगे ना रे। देख हराम का खा खा के सूरत तेरी काली पड़ गई। आमा कहा है मेरे, इन्हें क्या औरतों के सर का ऊँट ले रहा। हेलो भाई, तुम्हारा कवर यहीं से रखे हुआ है। हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो भाई, आपका कवर, बड़े भाई आपका कवर। अरे क्या इंसान है यारो, हर कारोबार में धोखेबाजी होती, तुम्हारे जैसे धोखेबाज अपना ईमान खराब कर रहे। बड़ो बड़े बड़े भाई, हेलो, खाओ और बोलो कि आमा कितने मीठे। अगर आम अब की बार खट्टा निकला तो मैं तुम्हारी गुलामी कर ले रहा हूँ। अब तो कौन सी हुकूमत कर रहे थे जैसे। क्या बोले? बकरा बकरीदारी नहीं, अपन बकरा लाने जाएंगे। चलो देखो बकरे की टेंशन तुम न को ले, सुने अच्छा जबरदस्त बकरा दिख के मैं लाता हूँ। तुम्हारे इतने आमा लाने नहीं हो रहा, तुम इतना बड़ा बकरा कहाँ से लाएंगे? और तुम बकरा लाने जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, देखो ये गधा बकरा लेने आया। क्या बोले? क्या बोले? क्या बोले? सत्यकाल वड़कम। तो गाइस अगर आप लोगों को हमारा वीडियो आम स्पेशल पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और ये हमारे मुज्जू भाई है बल्ला गोले के, मिठे आमा रहते खट्टे आमा नहीं रहते, खाली शूटिंग में कॉमेडी होना बोल के वैसा करें हम लोग। तो बल्ला गोले पे आ सकते हैं आप, चौरस्ते पे आपको भाई दिख जाते हैं, इनके पास से जबरदस्त मिठे आमा लेते। अगर आप दुकान के बाजू गोश्त की दुकान, अगर आप वैसे तो 60 रुपए किलो है और गोल्डन हैदराबादी बोले तो आप लोगों को 70 रुपए किलो देते। सही बात, बराबर ही देते। राइट भाई।